सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा, आपको बताते हैं। स्थानीय भाषाओं में अब प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। 18 स्थानीय भाषाएं बोलियों में किताबें तैयार की जाएंगी। स्कूलों में हर साल ग्रीष्मकालीन शिविर लगेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनेगा। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी मिलेगी। बगिया और बंदर चुहा के स्कूल को मॉडल स्कूल भी बनाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। स्थानीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा अब मिलेगी। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या जानकारी इस मामले में? तो आकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी घोषणा मानी जा रही है। स्थानीय भाषाओं में अब प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी। 18 स्थानीय भाषा बोलियों में किताबें तैयार की जाएंगी और हर साल ग्रीष्मकालीन शिविर भी लगेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भी बनेगा। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी मिलेगी। बगिया और बंदर चुहा के स्कूल को मॉडल स्कूल भी बनाने की बात सीएम की तरफ से की गई है। तो शिक्षा के स्तर में वृद्धि, बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से की गई है। लोकल भाषाओं में अब प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी, जिससे कि और भी बेहतर जो बच्चे हैं वो समझ पाए। 18 स्थानीय भाषा में किताबें तैयार की जाएंगी और साथ ही एक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा बच्चों के लिए, जहां पर जाकर वो अपने ही भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस घोषणा को काफी अहम माना जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। खासतौर पर पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और ऐसे में अब पढ़ाई जो है बच्चों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जो घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, इसको विस्तार से बताइए, किन बातों को शामिल किया गया है, क्या फायदा इससे बच्चों को होगा? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फोकस है कि स्कूलों को बेहतर किया जाए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, और इसके साथ ही उन्होंने जो स्थानीय भाषा बोलियों को महत्व देने पर जोर दिया है। कारण यही है कि सरकारी स्कूलों में अब हर ग्रीष्मकालीन शिविर लगाए जाएंगे, जहाँ पे सामान्य विषयों के साथ स्थानीय भाषा बोलियों को भी शिक्षा दी जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भी बनाए जाएंगे। स्कूलों को स्कूली शिक्षा के साथ व्यवसाय पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल किया जाएगा। सीएम ने ये भी निर्देश दिया है कि 18 स्थानीय भाषा और बोलियों के लिए पुस्तक तैयार किया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग जो है जुड़ गया है। मुख्यमंत्री का सीधा फोकस है स्कूली शिक्षा बेहतर हो, इसमें नई शिक्षा नीति का किस तरीके से समावेश किया जाए, बेहतर किया जाए, इस पर भी जोर दिया गया। और हाल ही में जो शिक्षा विभाग की बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर इसको लेकर निर्देश दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं झाबुआ जिले में दो पिकअप की आमने सामने से ही भिड़ंत हो गई।